Dear students, myself Dr. Vartika Jain, assistant professor and department of botany, would like to discuss in this video about syllabus of BSc second year botany paper 2. Mohanlal Sukhadia Vishwavidyalay Udaipur ke BSc second year botany ke course mein 3 paper hain, paper 1st, 2nd and 3rd. और यहाँ मैं पेपर सेकंड के सिलेबस की चर्चा करने वाली हूँ. पेपर सेकंड का टाइटल है एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, इकोनॉमिक बॉटनी एंड एथनोबॉटनी. यह पेपर 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है और हम एक के बाद एक यूनिट को देखते जाएंगे. इससे पहले इस पेपर का नाम आप अच्छे से समझ लें कि बीएससी सेकंड ईयर में हम हायर प्लांट्स की बात करने वाले हैं, हायर ग्रुप ऑफ प्लांट्स की बात करेंगे जो कि हैं एंजियोस्पर्म्स. इससे पहले फर्स्ट ईयर में आपने एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म ये सारे ग्रुप्स पढ़े हैं, पर बीएससी सेकंड ईयर में आप तीनों पेपर में, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों ही पेपर में आप आवृत बीजियों के बारे में पढ़ेंगे और सेकेंड पेपर में आप पढ़ने वाले हैं आवृत बीजियों की शारीरिकी. शारीरिकी का तात्पर्य जहाँ आप शरीर की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म का जब आप उन पौधों का सेक्शन काटते हैं तो सेक्शन काटने के बाद इंटरनल क्या स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आती हैं, सेल्स कैसी हैं, टिश्यूज कैसे हैं, उससे सबसे संबंधित अध्ययन हम एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म में करेंगे. दूसरा भाग है इकोनॉमिक बॉटनी, आर्थिक वनस्पति विज्ञान, और तीसरा है एथनोबॉटनी, लोक वनस्पति विज्ञान. तो यूनिट फर्स्ट यूनिट में हमें प्लांट एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि व्हाट इज प्लांट एनाटॉमी. एंड उस प्लांट एनाटॉमी के अंदर आप देखेंगे कि टाइप ऑफ टिश्यूज, देर आर टू टाइप ऑफ टिश्यूज एंड स्पेशली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे विभाजित की ऊतक कहते हैं. तो किस प्रकार वे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक प्लांट बॉडी में ऑर्गेनाइज रहते हैं, उनसे रिलेटेड कई सारी थियोरीज हैं, सो उन्हें पढ़ेंगे. एंड सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज सेल वॉल, हाउ इट इज़ मेड अप ऑफ, वॉट इज इट्स केमिस्ट्री, किन केमिकल से मिलकर सेल वॉल बनी है, कोशिका भित्ति और उस कोशिका भित्ति की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कैसी है, ये सब हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे. यूनिट सेकेंड में हम प्लांट सेल, प्लांट बॉडी में पाए जाने वाले विभिन्न टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे. तो उसमें विभिन्न ऊतक, स्पेशली जो परमानेंट टिश्यूज हैं जिसमें पैरेन्काइमा, मृदु ऊतक, कोलेन्काइमा, स्थूल कोणों तक, स्क्लेरेन्काइमा, दृढ़ ऊतक, जाइलम, फ्लोएम और सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स जिसे आप स्त्रावी ऊतक कहते हैं, और पेरिडर्म के बारे में, परित्वक के बारे में पढ़ेंगे. तो ये पूरा पोर्शन आपका यूनिट 2 का पोर्शन है. देन यूनिट 3 में हमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्लांट्स की पढ़नी है. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, पौधे की जड़, तना और पत्ती की प्राथमिक संरचना कैसी है उसके बारे में पढ़ेंगे. अर्थात प्राथमिक संरचना का तात्पर्य आप सभी जानते हैं कि जैसे ही एक सीड से पौधा डेवलप होना शुरू होता है, जड़ डेवलप होती है, तना डेवलप होता है, लीफ डेवलप होती है, तो प्राइमरी ग्रोथ के दौरान उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको हम पढ़ेंगे. और सेकेंडरी स्ट्रक्चर का तात्पर्य हुआ आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान क्या उसमें डेवलपमेंट्स होते हैं, क्या स्ट्रक्चर बनती है पौधे में वो. परंतु यहाँ एक स्पेशल चीज जो इस सेकेंड ईयर कोर्स की है वो ये है कि हमें यहाँ पे सेकेंडरी और प्राइमरी अबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि कई बार प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान कुछ ऐसी अबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स बनती हैं जो नॉर्मली मौजूद नहीं होती हैं और कुछ सेलेक्टेड प्लांट्स में ही मौजूद होती है. तो यहाँ उन प्लांट्स के नाम भी दिए गए हैं, उन्हीं के अंदर हम उन अनॉर्मल स्ट्रक्चर, उन अबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स, असंगत संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे. ये प्लांट्स हैं एरिस्टोलोकिया, साल्वेडोरा, बिग्नोनिया, एकाइरेंथस, एमेरेंथस, बोरहेविया, मिराबिलिस, किनोपोडियम, ड्रेसिना, एंटीनोस्पोरा. तो इन प्लांट्स में ऐसी क्या प्राइमरी अबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स मिल रही हैं या सेकेंडरी अबनॉर्मल स्ट्रक्चर मिल रही हैं या दोनों ही मिल रही हैं. कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही प्रकार की अबनॉर्मलिटी पाई जाती है, तो वो सभी का अध्ययन हम यूनिट 3 में करेंगे. तो फर्स्ट 3 यूनिट्स दे आर डिवोटेड टू प्लांट एनाटॉमी. तो प्रथम 3 यूनिट में हम खाली एनाटॉमी की चर्चा करेंगे, पादप शारीरिकी की चर्चा करेंगे. यूनिट फोर्थ में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक बॉटनी, आर्थिक वनस्पति विज्ञान. और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम उन पौधों के बारे में पढ़ेंगे जिनका
आर्थिक महत्व है जिनके ऊपर इकोनॉमी डिपेंड करती है हमारे देश की। तो ऐसे कई सारे पौधे हैं जिनके ऊपर हमारे देश की इकोनॉमी डिपेंड करती है। और इसको मैं एक जस्ट सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ कि अगर आप सुबह उठ के चाय पी रहे हैं तो वो चाय जो है वो भी हमें प्लांट से मिलती है और उसके ऊपर भी इकोनॉमी डिपेंड करती है। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन में आपके कई सारे प्लांट्स शामिल हैं। आप गेहूँ खाते हैं या आप चावल खाते हैं तो वो सभी हमें प्लांट से मिल रहे हैं। और इसके अलावा आप देखें कि आप जो कपड़े पहन रहे हैं दे आर कमिंग मोस्टली फ्रॉम कॉटन, तो वो कॉटन भी आपको कहाँ से मिल रहा है? पौधों से ही मिल रहा है। देन वुड, लकड़ी, आप देखिए कि आपके घर में जो दरवाजे हैं जो फर्नीचर है मोस्टली वुड का बना हुआ है, तो लकड़ी भी हमें पौधे ही दे रहे हैं और उनका भी इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिमिलरली जिस कागज़ पे आप लिख रहे हैं, जिससे आप पढ़ते हैं, जिन किताबों पे आप पढ़ते हैं, वो कागज़ भी पौधों से ही मिल रहा है और पूरी पेपर इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री है। देन शुगर, चाय में बिना शक्कर के आपको चाय अच्छी नहीं लगेगी, तो दैट शुगर ऑल्सो कम फ्रॉम प्लांट्स। सो यूनिट फोर्थ इकोनॉमिक बॉटनी के स्पेशली सीरियल्स, पल्सेस, फाइबर्स, वुड, पेपर एंड शुगर को कवर कर रही है। एंड देन यूनिट फाइव में दो पोर्शन हैं। यूनिट फाइव का एक पोर्शन में रेस्ट ऑफ द इकोनॉमिक बॉटनी को कवर करेंगे एंड उसके बाद बची हुई यूनिट फाइव में हम एथनोबॉटनी को कवर करेंगे। सो दिस इज द पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक बॉटनी। तो इकोनॉमिक बॉटनी में आप ये भी देखेंगे कि ऐसे कई सारे औषधीय पौधे हैं जो कि हमारे लिए हमारी लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे यहाँ चार मेडिसिनल प्लांट्स का नाम लिखा है वो हमें इस पेपर में पढ़ने हैं, राउवल्फिया, सर्पगंधा, धतूरा, सिनकोना जिसे कुनैन की दवाई मिलती है, पेपेवर, अफीम। देन बेवरेजेस, जिसमें आपका चाय कॉफ़ी तो आता ही है, साथ में अल्कोहलिक बेवरेजेस भी इसमें शामिल हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट है मसाले, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। और विभिन्न प्रकार के मसाले हम लोग डेफिनेटली हमारी लाइफ में यूज़ करते ही हैं। इसमें कोरिएंडरम आ गया, धनिया, क्यूमिनम, जीरा, फेरुला, हींग, करकुमा, हल्दी। देन कॉन्डिमेंट्स में आपका ट्राइगोनेला, मेथी, इलायची, एलिटेरिया, कैप्सिकम दैट इज शिमला मिर्च एंड मिर्च, पाइपर जिसे आप पाइपर नाइग्रम जिसे आप काली मिर्च कहते हैं, जिंजिबर जो अदरक के नाम से आप जानते हैं। और इसके अलावा आप अपनी लाइफ में ऑयल को भी यूज़ करते हैं, सब्जी को छोंकना है तो आप ऑयल डालेंगे और वो ऑयल भी हमें मोस्टली प्लांट से मिल रहा है। तो यहाँ आपके कोर्स में तीन प्लांट्स हमें पढ़ने हैं, एरेकिस जो कि मूंगफली का तेल, कोकोस जो कि कोकोनट ऑयल है, और तीसरा है हेलियंथस जो कि सूरजमुखी का तेल है। तो ये सारा आपका इकोनॉमिक बॉटनी का पोर्शन कवर करता है जहाँ आपने मसालों से लेके तेल से लेके लकड़ी से लेके पेपर से लेकर के शुगर से लेकर के मेडिसिनल प्लांट्स तक ये सारे जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं उसके बारे में बहुत ही कुछ चुनिंदा हम पौधों के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। देन यूनिट फाइव का जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है इट कवर्स एथनोबॉटनी, जिसे आप लोक वनस्पति विज्ञान हिंदी में कहते हैं। और ये वो विज्ञान है जो लोगों के पास पौधों से संबंधित ज्ञान मौजूद है और स्पेशली इसे ट्रेडिशनल नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, पारंपरिक ज्ञान जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, हमें इसे क्यों पढ़ना है, और राजस्थान के रेफरेंस में कुछ स्पेशल प्लांट्स जो कि फूड के रूप में भोजन के रूप में इस्तेमाल होते हैं, एथनो फूड प्लांट्स, एथनो फोडर प्लांट्स जो कि हमारे पशुओं के भोजन के रूप में काम में आते हैं, और तीसरा एथनो मेडिसिनल प्लांट्स जो लोक औषधीय पौधे हैं जो औषधि के रूप में राजस्थान के लोग काम में लेते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो एथनोबॉटनी कवर्स ओनली दिस लास्ट यूनिट्स, दिस पोर्शन। सो टोटल देर आर फाइव यूनिट्स, आप समझ गए होंगे। फर्स्ट थ्री यूनिट्स में प्लांट एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट का हाफ हम यानी वन एंड हाफ यूनिट्स में हम इकोनॉमिक बॉटनी डिस्कस करेंगे एंड यूनिट फिफ्थ में हम एथनोबॉटनी को कवर करेंगे। सो दिस विल बी योर सिलेबस ऑफ बॉटनी बी एस सी सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड। थैंक यू वेरी मच।